दोस्तों, तारक मेहता शो को कई सारे लोग पसंद करते हैं। आप, मैं, हम सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफ़ी सालों से देख रहे हैं और तारक मेहता शो के हर कैरेक्टर हमारे दिलों पर राज करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में नई दयाबेन की एंट्री बहुत ही जल्दी होने वाली है और खबर यह निकल कर आ रही है कि सुंदर, जो कि दयाबेन के भाई है, वो दयाबेन के साथ आने वाले हैं गोकुलधाम सोसाइटी में। और आप सबको पता है कि नई दयाबेन की एंट्री इसी साल के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर बात करें इस साल की नवरात्रि की, तो नवरात्रि जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाई जाएगी गोकुलधाम सोसाइटी में। और कुछ ही दिनों बाद आने वाली है दिवाली, तो दिवाली भी गोकुलधाम सोसाइटी में काफ़ी शानदार तरीके से मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस बार की दिवाली में क्या आत्माराम तुकाराम भिड़े माधवी को देने वाले हैं एक सोने का नेकलेस? जी हाँ दोस्तों, माधवी भाभी जो है वो भिड़े साहब को, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के एकम एवं सेक्रेटरी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, इस बार भिड़े जो है वो अपनी पत्नी यानी कि माधवी के लिए एक सोने का नेकलेस ला सकते हैं। तो देखते हैं ये नेकलेस वाले एपिसोड्स हमें कब तक देखने को मिलते हैं।